खबर रामगढ़ से, जहां चिंतपूर्णी स्टील प्लांट में बॉयलर फट गया है। बता दें कि इस हादसे में 4 मजदूर झुलसे हैं गंभीर अवस्था में, उन्हें रांची रेफर कराया गया है। रामगढ़ जिले के मानो थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 4 मजदूर इस हादसे में झुलस गए हैं गंभीर अवस्था में, उन्हें रांची रेफर किया गया है। रामगढ़ जिले के मानो थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। बता दें कि स्टील प्लांट में ये फटने से ये पूरा हादसा हुआ है। 4 मजदूर इसमें झुलस गए हैं गंभीर अवस्था में, रांची रेफर किया गया है। रामगढ़ जिले के मांडू थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। चिंतपूर्णी स्टील प्लांट में बॉयलर फटा है और इस हादसे में देखिए अब तक जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, इसमें 4 मजदूर झुलसे हैं और बॉयलर फटने से 4 मजदूर इसमें झुलस गए और सभी का इलाज चल रहा है। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी सीधे फोन लाइन पर धर्मेंद्र जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, देखिए ये बॉयलर फटने से 4 मजदूर के झुलसने की का मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ वजह रही है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? मांडू थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है चिंतपूर्णी स्टील प्लांट आता है और यह जहाँ पे बताया जाता है कि अचानक जो है बॉयलर फट गया, चूंकि बॉयलर से जो है आग की मात्रा जो है आग की लपटें उठती है, ऐसे में जो है उसके फटने के कारण जो है आसपास कार्य कर रहे लगभग 4 मजदूर जो है झुलस गए हैं। 4ों की स्थिति जो है स्थानीय इलाज के बाद गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद सभी को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। जी जी, बॉयलर फटने की क्या कुछ वजह रही, इसके पीछे क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? देखिए कहीं ना कहीं जो है जो बॉयलर फटने की कई वजह हो सकती है, जैसा कि विशेषज्ञ बताते हैं कि जो है एक तरह से कहें संतुलन अगर सही वे में अगर जो आग की लपटों का नहीं रहता है तो उस वजह से भी गड़बड़ी के कारण फट सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब संचालित होता है तो टेक्निकल जो टीम होती है उस चीज का भी इसका निगरानी करती है, तो हो सके इसमें टेक्निकल टीम से भी कोई चूक हुई होगी जिस वजह से बॉयलर फटा है। धर्मेंद्र, 4 मजदूर जो इसमें झुलसे हैं, फिलहाल उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है? देखिए जो 4 मजदूर की स्थिति जो है गंभीर बताई जा रही थी, यहाँ पे तत्काल जो है उनको सदर अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन चूंकि स्थिति उन शरीर जो है काफी ज्यादा झुलसा हुआ था और चूंकि इस चीज का इलाज सदर अस्पताल में नहीं होता है तो प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल उनको जो है रांची रेफर कर दिया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। जी धर्मेंद्र, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो रामगढ़ जिले के मानू थाना क्षेत्र का देखिए ये पूरा मामला है, जिसमें बॉयलर फटने से 4 मजदूर इसमें झुलस जाते हैं। 4ों की स्थिति फिलहाल देखिए गंभीर बताई जा रही है, उनका इलाज जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।